खुदा जाने हमारे बुजुर्गों ने कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा मिल रही है। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी और निवेशक कंपनी जेफरीज ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारतीय रुपया अब दुनिया की प्रमुख और स्थिर मुद्राओं में शामिल हो गया है। ग्लोबल ट्रेड में अब भारतीय रुपया की अहम भूमिका हो गई है और इसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। इंडिया को अगर हम 100 साल रोक भी दें और पाकिस्तान से कहें कि आप काम करो, फिर भी हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते। दुआ करें ये बेड़ा गर्क रहे, हम एक बाशऊर कौम होते तो इस तरह की बात पे ही तूफान खड़ा हो जाता। चीन जो कभी भारतीय मुद्रा का मजाक उड़ाता था, अब उसे ये बात माननी ही पड़ेगी कि भारत ने उसे पीछे छोड़ दिया। अमेरिका ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भारत की मुद्रा अब दुनिया की प्रमुख और स्थिर मुद्राओं में से एक बन चुकी है। ये बात सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए भी गर्व की बात है। कितना फर्क देखते, 1947 में ही दोनों मुल्क कहते पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ, आज वो कहा वो आजाद हुआ, ये बर्बाद हुआ, वो आजाद हुआ, ये बर्बाद हुआ। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेगा, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। घर से बाहर निकलना तकरीबन बंद कर दिया है, बाहर जाता हूँ खौफ आता है, एहसास जुर्म पैदा होता है। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़ी औरतें, बूढ़े भीख मांग रहे हैं, चौकों पे खड़े हैं। ये बताएं क्या वजह, पाकिस्तान हमेशा से ही हेल्प मांगता आता है, मतलब कभी 7 बिलियन डॉलर, कभी 2 बिलियन डॉलर। हम ट्रेड की तरफ क्यों नहीं जा रहे, नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करके बिजनेस क्यों नहीं कर रहे। सिग्नल खराब हुआ, भिखारियों ने खुद पैसे डाल के ठीक कराया, चूंकि वो वहाँ गाड़ियां रुकती हैं, उनको भीख मिलती है, वो गदागर बना दिया तुमने। जब हमने यूएई से भी कर्ज मांगा था तो यूएई ने भी यही कहा था कि कर्ज मत मांगे, आप अपने पड़ोसी मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, आपका मुल्क ऑटोमेटिकली जो है इन क्राइसिस से निकल आएगा। जहां जहां भी अवाम के हकूक की बात है, उनकी फलाह व बहबूद की, उनकी खुशहाली की, उस पर आज तक किसी ने थूका भी नहीं। जय हिंद दोस्तों, भारतीय रुपए ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। हाल ही में अमेरिका की रेटिंग एजेंसी और निवेशक कंपनी जेफरीज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारतीय रुपया अब दुनिया की प्रमुख और स्थिर मुद्राओं में शामिल हो गया है। ग्लोबल ट्रेड में अब भारतीय रुपए की एक अहम भूमिका हो गई है और इसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। ये बात भारत के लिए ही नहीं बल्कि एशिया के लिए भी गर्व की बात है कि भारत ने न सिर्फ अपनी मुद्रा को स्थिर किया बल्कि उसे डॉलर का एक मजबूत विकल्प भी बना दिया। इंडिया को अगर हम 100 साल रोक भी दें और पाकिस्तान से कहें कि भाई आप काम करो, फिर भी हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते जो इस वक्त की सूरत हाल है। टोटल पाकिस्तान को बने कितना टाइम हुआ है? तकरीबन मेरा ख्याल है 78 साल। ठीक है, इंडिया भी 78 साल से उन्होंने अपना सफर फिर से स्टार्ट किया। आप कह रहे हैं 100 साल रोक देंगे फिर भी नहीं आगे निकल पाएंगे, यानी वो 78 साल में 100 साल से ज्यादा आगे निकल गए। ऐसे आपके सामने खुदा जाने हमारे बुजुर्गों ने कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा मिल रही है। मुझे लोग कहते हैं कि तुम इतना कुड़ते हो, इरिटेट होते हो, आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे, मैं को बेहया हूं, को बेशर्म हूं। घर से बाहर निकलना तकरीबन बंद कर दिया है, बाहर जाता हूं खौफ आता है, एहसास जुर्म पैदा होता है, हालांकि मैंने तो कुछ नहीं किया। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़ी औरतें, बूढ़े भीख मांग रहे हैं, चौकों पे खड़े हैं। अब उनमें ये जिनको हम वो जो ब्याह शादियों पर आते होते थे ख्वाजा सरा या जो ट्रांसजेंडर, अब उनका इजाफा हो गया है। ये एक पता नहीं उसका क्या नाम है, कौन सा ब्रिज मैं भूल गया हूं, उस पे सिग्नल खराब हुआ, भिखारियों ने खुद पैसे डाल के ठीक कराया, चूंकि वो वहां गाड़ियां रुकती हैं, उनको भीख मिलती है, वो गदागर बना दिया तुमने पूरी कौम को। फिर इनको तरमीमें तरमीमें तरमीमें, बस करो, तुम तो मुल्क में तरमीम कर चुके हो, हाफ ऑफ द कंट्री वी हैव लॉस्ट। वो इतनी बड़ी खौफनाक तरमीम के बाद अभी पेट नहीं भरा, बस करो। मुझे बताएं क्या वजह, पाकिस्तान हमेशा से ही हेल्प मांगता आता है, मतलब कभी 7 बिलियन डॉलर, कभी 2 बिलियन डॉलर। हम ट्रेड की तरफ क्यों नहीं जा रहे, नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करके बिजनेस क्यों नहीं कर रहे। जैसे मालदीव से खबर है, उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया से हम हेल्प ले लेंगे, अपना ट्रेड कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। मालदीव की इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा जी, वो देखें जी, एक खुददार मुल्क की तरह वो बिहेव कर रहा है। हम लोग जो है ना वो बस मांगने तांगने पे लगे हुए हैं, और हमारा पर्पज यही है कि जी वक्त डंग टपाओ नहीं जिसे कहते। तो ये कितनी देर होगा ऐसे, कितनी देर चलेगा? यार मुझे नहीं लग रहा कि ये अब मजीद चल पाएगा, क्योंकि हमारी नस्लों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और जो हमारे यंगस्टर है ना वो मायूसी का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान छोड़ के जाने की ख्वाहिश रख रहे हैं। ईमानदारी से बताना, माइंड में आता है कि यार पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर जाएं, कनाडा जाएं, यही
दुआ करें ये बेड़ा गर्क रहे। हम एक बाशऊर कौम होते तो इस तरह की बात पे ही तूफान खड़ा हो जाता। हमारे यहाँ हमारे मुल्क में एक अजीब रिवाज, जमहूरियत जमहूरियत तो है कहां, कोई मुझे बताए 77 years 77 साल हो गए इस मुल्क को बने और कर्जों की दलदल में गर्क हुए। चार पांच शहरों में जो पिछले साल डेढ़ दो साल में बड़े क्राइम हुए हैं, कत्ल, किसी ने गाड़ी में रौंद दिया, किसी ने कांस्टेबल को क्वेटा मांगा, फलाना, कोई नतीजा निकला? आईन किस बात का आईन? आईन आवाम के हकूक के बारे में, उनकी बहबूद के बारे में, उनकी फलां के बारे में, बच्चों की तालीम के बारे में, पाकिस्तानी अवाम की इज्जत नफ्स के बारे में जो कुछ कहता है उस पर कोई थूकता भी नहीं।